हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं एमपी फूड फैक्ट्री। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं अंडा मैगी की रेसिपी। अगर इस रेसिपी से आप अंडा मैगी बनाते हैं तो बहुत ही शानदार बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों ये हमने मैगी ले रखी है, ये हमने चार अंडे ले रखे हैं, ये हमारा है टमाटो सॉस, ये हमने लिया सोया सॉस, ये हमारा लाल मिर्च पाउडर है, ये हमने नमक लिया हुआ है, ये हमने हल्दी पाउडर लिया हुआ है, ये हमारा गरम मसाला है, ये हमारा मैगी मसाला है, ये हमने थोड़ी सी प्याज ली हुई है, ये हमने बारीक कटे हुए मिर्ची के पीसेस लिए हैं, ये हमारी हरी धनिया है। नेक्स्ट स्टेप हमारी दोस्तों मैगी को बॉईल करने की है। इसके लिए हम बर्तन को गैस पर चढ़ा के चूल्हे को ऑन कर देंगे। अब इसमें हम अपनी मैगी की क्वांटिटी के हिसाब से 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसे कर सकते हैं। दो गिलास पानी को ऐड करने के बाद इसमें हम मैगी को ऐड करेंगे और मैगी के बॉइलिंग की प्रोसेस को चालू करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने सारी मैगी इसमें ऐड कर दी है। अब इसको हम 2 से 4 मिनट तक बॉईल करेंगे। दोस्तों मैगी के बॉइलिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों अब इसमें हम मैगी मसाले को ऐड करेंगे। इसमें हमने 2 से 3 चम्मच मैगी मसाले को ऐड कर दिया है। उसके बाद दोस्तों इसमें हम अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे और मैगी को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने मैगी को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हम कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा देंगे और उसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। और हमारा ऑयल दोस्तों अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे और गैस को हम दोस्तों लो फ्लेम पर कर देंगे जिससे हमारे मसाले जले ना। अब इसमें हम कटी हुई प्याज ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने दोनों को ऐड कर दिया है। उसके बाद दोस्तों हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे मीडियम या लो फ्लेम पर करना है जिससे कि यह जले ना। दोस्तों मिर्च और हमने प्याज ऐड कर दी है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्याज और मिर्च हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों हम इसमें अंडे काटकर ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने एक अंडे को ऐड कर दिया। इसी तरीके से हम अपने सारे अंडों को तोड़कर इसमें ऐड कर लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे लगभग सारे अंडे इसमें ऐड हो चुके हैं। दोस्तों अंडों को ऐड करने के बाद उसको हम अच्छी तरीके से, आप देख सकते हैं हमारे अंडों की लगभग भुर्जी तैयार हो चुकी है। दोस्तों इस तरीके से हम इसे भुर्जी टाइप से पका लेंगे। अब दोस्तों इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। उसके बाद दोस्तों हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा मिर्ची पाउडर। उसके बाद दोस्तों हमने जो मसाला बचा के रखा हुआ था उसे हम पूरा इसमें ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं मैंने तीनों चीजों को ऐड कर दिया है। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड कर देना है। ये चारों मसाले ऐड होने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारी भुर्जी अच्छी तरीके से पक चुकी है। इसे हमने 1 से 2 मिनट तक पका लिया है। अब दोस्तों इसमें हम हल्का सा नमक ऐड करेंगे अपने स्वाद अनुसार। आप देख सकते हैं मैंने 1 से 1.5 चम्मच इसमें नमक को ऐड कर दिया है।
उसके बाद इसमें हम सोया सॉस को ऐड करेंगे दोस्तों। सोया सॉस ऐड करने से इसका कलर बहुत ही अच्छा हो जाता है। उसके बाद इसमें हम टमाटो सॉस ऐड करेंगे, ये दोस्तों ऑप्शनल है, ये आप अगर टमाटो सॉस पसंद करते हैं तो इसे आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं कि हमारी भुर्जी अच्छी तरीके से डार्क हो चुकी है और अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब इसमें हम उबाली हुई मैगी को ऐड करेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने मैगी को ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। भुर्जी में मैंने मैगी को ऐड कर दिया है, उसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है दोस्तों, जिससे भुर्जी और मैगी अच्छे से मिक्स हो जाए। दोस्तों फाइनली हमारी अंडा मैगी हो चुकी है तैयार। आप देख सकते हैं यह कितना शानदार लुक दे रही है। तो दोस्तों एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, इससे मैगी बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब बनती है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल MP Food Factory को जरूर सब्सक्राइब कर दें।